नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं आपको हरा धनिया को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है 2 से 3 हफ्ते के लिए, मैं वो बताने वाली हूँ आपको। और ये टिप्स मैं हमेशा आजमाती हूँ, जब भी मैं मार्केट से धनिया लाती हूँ तो इस तरह से रखती हूँ, तो मैं इसे 2 से 3 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर लेती हूँ। ख़राब भी नहीं होता, फेंकना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर हम मार्केट से धनिया लाते हैं तो जल्दी से गल जाता है, काला पड़ जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, तो हमें फेंकना पड़ता है, उसका यूज़ हम नहीं कर पाते। क्योंकि हरा धनिया खाना हमारे हेल्थ के तो लिए अच्छा है ही, हम सब्जी में डालते हैं तो देखने में तो अच्छा लगता है, साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाती है रेसिपी। तो हरे धनिया को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हरे धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया है और उसका पानी पूरी तरह से सुखा लिया है। आप किसी कॉटन के कपड़े पर बिछा कर भी रख दो तो उसका पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद उसे अच्छी तरह से पोंछ करके, ये देखिए एक प्लेट पे मैंने ये टिश्यू पेपर रखा हुआ है, इसी टिश्यू पेपर में मैं हरे धनिया को रैप करके रखूँगी। और हरे धनिया का पानी पूरी तरह सुखाने के बाद हम इसे रखेंगे एक टिश्यू पेपर पे। ये देखिए मैंने एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख दिया है और यहाँ पे अच्छे से छाट करके मैं धनिया, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई ख़राब धनिया ना रखे, नहीं तो उसकी वजह से दूसरा धनिया भी ख़राब हो सकता है। और इस तरह की जो पतलियाँ डंडी हैं वो फेंकेंगी नहीं, उसको आप अलग से रैप करके रख सकते हो। हरा धनिया को अलग रख दीजिए और ये जो पतली डंडी है आप इसे मसाले में यूज़ कर सकते हो, चटनी में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस तरह से छाट करके रखती जाऊँगी उस पेपर पर। ये देखिए ये डंडियों को मैं अलग करते जाऊंगी और ये हरा वाला भाग जो है उसे एक तरफ रखते जाऊंगी और इस तरह से छाट छाट के मैं अलग करके रखती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हो कि मैंने ये जो डंडियाँ हैं इसकी काटी है, जो नरम नरम टहनियाँ होती है उसको आप चटनी में यूज़ कर सकते हो, सब्जी के मसाले में पीस सकते हो। तो उसको मैं अलग स्टोर कर रही हूँ और जो अच्छी अच्छी पत्तियाँ हैं हरे धनिया को वो मैं एक तरफ दूसरे में पैकेट में रैप कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कट करके मैं यहाँ टिश्यू पेपर के ऊपर रखती जाऊँगी, इस तरह से छाट छाट के अच्छे से हरी हरी पत्तियों को। तो ये देखिए अच्छे से साफ़ करके मैंने हरे धनिया की जो पत्तियाँ हैं वो एक तरफ रख दी हैं और उसको मैं टिश्यू पेपर पे अच्छे से लपेट करके एक एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। ये देखिए टिश्यू पेपर को मैंने एक पैकेट की तरह फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है मैंने, जिसे अच्छी तरह से धोया है, सुखाया हुआ है, नमी बिल्कुल भी नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। इस तरह से आप छोटे छोटे पैकेट बना करके रख सकते हो, जितना धनिया आपको एक बार में यूज़ करना होता उस तरह के छोटे छोटे पैकेट भी बना करके रख सकते हो। अच्छे से पैक कर दिया, इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे आप हरे धनियों को आराम से 2-3 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हो। अगर आप हरे धनिया को यूज़ करना चाहते हो 2 से 3 हफ्ते तक, तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं, जिससे आपको हमेशा फ्रेश हरा धनिया मिलेगा सब्ज़ी में डालने के लिए।